दोस्तों, यह लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल के सीरीज की पांचवी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लेडीबग के लाइफ साइकिल को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, लेडीबग जिसे हिंदी में गुबरेला कहा जाता है, लेकिन लोग इसे किसानों के मित्र कीट के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले एफिड्स और अन्य कीड़ों को खाकर फसलों की सुरक्षा करती है। आज दुनिया में लेडीबग की लगभग 5000 प्रजातियां मौजूद हैं, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत और रंग बिरंगे होते हैं। दोस्तों, खूबसूरत दिखने वाले इस लेडीबग का जीवन चक्र भी काफी खूबसूरत होता है। एक लेडीबग के लाइफ साइकिल में एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट जैसे चार स्टेज होते हैं, जिसकी शुरुआत नर और मादा के मिलन से शुरू होती है। मिलन के बाद एक लेडीबग पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देती है। यह अंडे एफिड्स कीट के समूह के पास दिए जाते हैं, ताकि अंडों से निकलने के बाद लार्वा इन एफिड्स को खाकर जल्दी से विकसित हो सके। दोस्तों, लेडीबग के एक अंडे के समूह में 5 से लेकर 30 अंडों तक होते हैं, जिसमें से कुछ फर्टिलाइज्ड और कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग से लार्वा नहीं निकलते, लेडीबग इन्हें फर्टिलाइज्ड एग के पहले भोजन के रूप में देती है, ताकि अंडों से निकलने के बाद लार्वा इन अनफर्टिलाइज्ड एग को खाकर अपनी भूख मिटा सके। दोस्तों, अंडों से निकलकर लार्वा बनने में लेडीबग को 2 से लेकर 10 दिनों का समय लग जाता है, जबकि एक लार्वा में पूरी तरह विकसित होने के लिए इसे 2 सप्ताह का समय लग जाता है, जिस दौरान यह लगभग 350 से 400 एफिड्स और अन्य कीड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। दोस्तों, लेडीबग के लार्वा कई रंगों के होते हैं और यह दिखने में काफी खूबसूरत होता है। दोस्तों, लार्वा बनने के 2 सप्ताह बाद यह लाइफ साइकिल के तीसरे चरण यानी प्यूपा में बदल जाते हैं, जिसमें यह लगभग 7 से लेकर 15 दिनों तक रहता है। अपने इस पूरे चरण में प्यूपा पत्तियों से जुड़ा होता है, जिस दौरान लेडीबग के पंख, आंख, सिर, पैर तथा शरीर के अन्य भाग विकसित होते हैं। और लगभग 7 से लेकर 15 दिनों के बाद प्यूपा को तोड़कर एक लेडीबग बाहर निकलती है। दोस्तों, प्यूपा से निकलने के वक्त लेडीबग हल्के रंग के होते हैं और इसके बाहरी परत काफी नाजुक होते हैं, जो कि इसे शिकारी जीवों के प्रति संवेदनशील बनाता है, लेकिन जल्द ही यह मजबूत और गहरे रंग के हो जाते हैं, जिस चटक रंग के कारण लेडीबग जाना जाता है। और यहीं से शुरू होता है एक लेडीबग का सफर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।